भाई दादी खबर अकबर उद्दीन आपको जो आज हाथी लाना हमला हुआ था उसके वास्ते दे रहा था सलीम भाई आगे चलो अकबर साहब को आशीर्वाद दें। करो आज 30 तारीख है जो खाते प्लीज थोड़ा पकड़ थोड़ा साहब ले लो सलीम भाई आज बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के अंदर नवाब साहब कुंटे के अंदर गुड़ी के दवाखाने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं मेरे सारे कॉर्पोरेटर्स बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के यहां पर मौजूद है। आज 30 अप्रैल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गमगीन दिन बोल सकते हैं आप। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फ्लोर लीडर है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर खातिलाना हमला किया गया था और अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गान दीन का सदका है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज तक सेहतमंद है और इंशाल्लाह ताला हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए आज इस गुड़ी के दवाखाने के अंदर मैं मेरे सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर गरीब लोग यहाँ पर दवाखाने में शरीक होते हैं, वो सारे पेशेंटों के दरमियान में आकर हम लोग दूध की पाकिट, ब्रेड और मेवा तकसीम किए हैं और पेशेंटों से गुजारिश करे हैं कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से थी, हमेशा रहेगी ता क़यामत तलक, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो भी परेशानियां आएंगे इंशाल्लाह ताला वो सारे परेशानियां दूर होंगे। मैं आपके चैनलों के जरिए ये आवाम से गुजारिश करता हूं बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक कौम के जिम्मेदार कायद है और हम सारे MLA, सारे कारपोरेटर और सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन वर्कर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वालों से ये ख्वाहिश करते हैं कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
एक बुलंदी के रास्ते पे चलेगी और जो भी अवाम के मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहते हुए अवाम की खिदमत करते हुए सारी अपनी जिंदगी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अवाम के लिए।